चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हार्डवर्क करके, सिर्फ हार्डवर्क करके सफलता हासिल करनी है अगर आपको, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है और सफलता के चांसेस भी कम होंगे। और अगर आप अपने हार्डवर्क में स्मार्ट वर्क भी शामिल कर लें तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ेंगे और आप जल्दी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क ये होता है कि सब कुछ पढ़ लेना, और स्मार्ट वर्क वो होता है कि जो आ रहा है उससे चीज़ों को जोड़ करके, चीज़ों को समझ करके, पहले क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, अब कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस पे ध्यान रख करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं अंग्रेज़ी का अध्यापक हूँ, तो मैं सिर्फ अंग्रेज़ी की एनालिसिस सिर्फ मैं करके बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में भी जो मैंने समझी और जानी वो बताना चाहता हूँ आपको। पहले उनकी बात कर लेते हैं हम कि बाकी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देकर के निकले तो उन्होंने क्या इसके बारे में अपनी राय दी कि किस तरीके का एग्ज़ाम रहा। तो उन्होंने GS को इजी टू मॉडरेट रखा, मीन्स आसान से थोड़ा सा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहा। उनसे अगर रीजनिंग के बारे में बात की गई तो उन्होंने रीजनिंग को भी सेम पैटर्न इजी टू मॉडरेट मूड में रखा। अगर उनसे इंग्लिश की बात की गई तो वो मॉडरेट पे गए नहीं, बस इजी पे रहे, मींस आसान बताया उन्होंने। और अगर GS की बात करें तो GS में भी सॉरी अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी उन्होंने 100-100 मींस बीच का ही रिएक्शन दिया, इजी टू मॉडरेट। अभी तक आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट को भी मुश्किल नहीं बताया, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा आसान बताया गया सबकी तुलना में, और GS और रीजनिंग और मैथमेटिक्स को इजी टू मॉडरेट रखा। कंप्यूटर को कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बताया, लेकिन जिन्हें नॉलेज थी उन्होंने मॉडरेट कहा, लेकिन इजी नहीं कहा। तो ये आपका सबकी समरी मैंने आपको बताई। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, चूँकि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अंग्रेज़ी में ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि स्कोर बेहतर करने के लिए। अब आने वाले एग्ज़ाम में तो दोबारा से एग्ज़ाम शुरू होंगे, CGL में अच्छा स्कोर कर सकें, स्टेनोग्राफर में, तो चाहते हैं कि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ रहा है वो, किस पोर्शन में हम कितना काम करें। तो बच्चों, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे साफ तौर पे बोलता हूँ कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी को सीखने के 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट इज़ ग्रामर, सेकेंड इज़ वोकेबलरी, थर्ड इज़ कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन या कम्प्रीहेंशन, ठीक। और मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से या सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या जो CBSE बोर्ड के हैं उनके लिए ये सूचना है कि सिर्फ कम्प्रीहेंशन से कुछ नहीं होगा। आपको तीनों में तो मतलब ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं और बहुत ज़्यादा भी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना आपको, लेकिन कम से कम इतना करना है आपको कि आपको वोकेबलरी और ग्रामर और कंप्रीहेंशन तीनों में ही कॉन्फिडेंस रहे एग्ज़ाम देने से पहले कि मैं तीनों को कर जाऊंगा। तीनों में से किसी एक में भी अगर आपने अपने अंदर वीकनेस फील की, यू विल फेस द फेलियर, आप असफलता का ही सामना करोगे। और अगर आप चाहते हो कि सर इसका कोई सबूत कि तीनों ही ज़रूरी हैं, तो ये रहा बोर्ड पे, मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, और फिर ये भी देखना कि टोटल वेटेज किसका कितना था। तो जो एनालिसिस रही हमारी 2 मार्च और 3 मार्च को, ऐसे ही एग्जाम चलते रहेंगे, एनालिसिस ऐसे ही रहेगी, ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इंग्लिश की CGL एनालिसिस 2023 Tier 2 मार्च 2 और 3 दोनों को मिला दिया है मैंने इसमें। इंग्लिश के 45 मार्क्स थे, क्या पूछा गया? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मीन्स पैसेज आए और पैसेज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करें, इजी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी लैंग्वेज में पैसेज था। और 11 क्वेश्चन, और ये दो 2 मार्च का है, और अगर आप मार्च 3 करेंगे तो 9 या 12 हो गए, इससे ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि कंप्रिहेंशन 10-12 के बीच में रखी इन्होंने, जो मैंने शुरू कर दी है स्पेलिंग्स, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, स्पेलिंग्स 2 से 3 की आ रही हैं, 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन या 3, ऐसा ध्यान रखिए क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, तो आप समझ लीजिए 12 या 36 नंबर की कंप्रिहेंशन हो गई आपकी। अब आप समझ लीजिए स्पेलिंग्स आपकी 2, 3 या 9 या 6 नंबर की हो गई, इस टाइप से है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हम कह सकते हैं ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ये 2 क्वेश्चन आए। ईडियम फ्रेजेस 3, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, ठीक, मतलब आने वाले टाइम में, फिलहाल तो 3 है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीन क्वेश्चन पूछे गए जो मैं क्लास में प्रिपेयर करा रहा हूँ बढ़िया करके, और होली के बाद एक बुकलेट देने वाला हूँ मैं आपको जिसमें 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से समझाया जाएगा, आप खुद पढ़ते रहोगे समझते रहोगे। सेंटेंस करेक्शन की बात करें अगर, तो सेंटेंस करेक्शन में होता है एक सेंटेंस लिख देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, फिर ऑप्शन देते हैं, नो इंप्रूवमेंट भी होता है, ग्रामर को रिलेट करता है, वर्ड पावर भी लग सकती है, दो तीन क्वेश्चन इसका है। फिर हम जाते हैं एरर स्पॉटिंग, जो हम उसके सेपरेशन कर देते हैं अलग अलग, और फिर उसमें पूछते हैं एरर कौन से पार्ट में है, तीन चार क्वेश्चन इसका है। क्लोज टेस्ट 4 नंबर का, लेकिन आप इसे हल्के में ना ले, ये 10 का भी हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में कभी आपकी ज़रूरत हुई तो हो सकता है कम्प्रीहेंशन 5 की कर दें, ये 10 की कर दें, तो ये हिस्सा कम्प्रीहेंशन में आएगा। पैराजम्बल्स होते हैं जो PQRS होते हैं बिखरे हुए, उन्हें समेट के सही से आंसर लगाना होता, ये 4 क्वेश्चन रहे। सिनोनियम एंटोनियम 4 से 5 के बीच में आए, एक्टिव पैसिव 2 से 3 के बीच में आए, नरेशन 3 से 4 के बीच में आए। तो मैं अगर ये कह दूँ ना आपसे कि बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करे गए हैं, जो CGL में पहले 200 क्वेश्चन आते तो उन्हें 45 कर दिया गया, बस डिवाइडेशन आज भी वही है, 30% ग्रामर, 30% वोकेबलरी, 40% कम्प्रीहेंशन। ये उल्टा कर दो, 40% ग्रामर, 30% वोकेबलरी, 30% कम्प्रीहेंशन। ये उल्टा कर दो, 40% वोकेबलरी, 30% ग्रामर, 30% कम्प्रीहेंशन। अब आप एक चीज़ यहाँ ये समझें कि आपका टीचर ये वीडियो क्यों लाया आपके लिए, इसलिए लाया है CGL क्वालिफाई करना हो, या आपको स्टेनोग्राफर क्वालिफाई करना हो, या ग्रेड सी में जाना हो आपको स्टेनोग्राफर में, या आपको UPPCL करना हो, या हाई कोर्ट करना हो, या DSSSB के एग्ज़ाम क्लियर करने हो, या NDA या CDS या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। सबूत ये है, दिखाते हैं आपको, हमने लिखा है साफ करके यहाँ, कम्प्रीहेंशन के 19 से 20 के बीच करीब क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा इसी में से आए, देख लो आप, ग्रामर के क्वेश्चन 12 के करीब, 12-13 आए, और वोकैबुलरी भी 14 की आई। तो आप ये मत समझना कि ग्रामर कम आई है तो ग्रामर कम पढ़नी है, आप ये समझें कि तीनों को आप पढ़ेंगे तभी आप स्टेनोग्राफर का स्कोर अच्छा कर पाएंगे, तभी आप वोकैबुलरी का स्कोर अच्छा कर पाएंगे, तभी आप कम्प्रीहेंशन का स्कोर कर पाएंगे अच्छा तीनों को, तो फिर स्टेनोग्राफर में अच्छा स्कोर, CGL में अच्छा स्कोर, UPPCL में, तब आपकी जॉब लगेगी। एक बात और, अगर ठाकुर द्वारा में या दिल्ली में या इलाहाबाद में कोई स्टूडेंट्स तैयारी करने गए हैं तो वहाँ 100 का मान लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो बच्चों ध्यान रखो 50 को तो पढ़ना ही नहीं होता है, लेकिन जो 50 होते हैं उनमें भी जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें पढ़ाई का तरीका नहीं पता होता है, उसमें से 10 या 20 स्टूडेंट्स होते हैं जो जानते हैं, जो ये वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं किसी की भी, मैं अपने नहीं कह रहा, किसी की भी वीडियो से समझते हैं कि क्या चल रहा है, अप टू डेट रहना चाहते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, करंट अफेयर्स जानते हैं, वो जान रहे होते हैं कि यार पैटर्न चेंज हो रहा, क्लोज टेस्ट पहले वैसे आते थे अब ऐसे आ रहे हैं, थीम बेस्ड है या क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल जो मेरी एनालिसिस है, जो बच्चों की राय है, उसके हिसाब से इंग्लिश इजी रही, क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए हमारी इस एनालिसिस से, एग्ज़ाम क्रैक करना है अगर CGL का, अगर आपको एग्ज़ाम करना है स्टेनोग्राफर का क्वालिफाई, देयर इज़ वन वे आउट, एक ही तरीका है, कम्प्रीहेंशन पढ़ते रहो, वोकैबुलरी याद करते रहो, ग्रामर समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, गार्जियन रिपोर्टिंग टेस्ट जो हमारी क्लास में हर महीने की लास्ट में होता है उसमें बेहतर स्कोर करते रहो, और बाकी आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहें, और अपने टीचरों के ऊपर भरोसा रखते हुए आप उनके साथ लग करके मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं, ये हमारा पहला पेपर रहा CGL का, जो इसमें चेंजेस हुए तो उसके बाद में अब हमारे लिए आगे के रास्ते खुल गए कि अगली बार एग्ज़ाम इस तरीके से आएगा, तो आप जो बच्चे इस बार नहीं भर पाए फॉर्म, वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो फॉर्म अप्लाई करें और चीज़ों को समझें कि ऐसी आएंगी, आगे चल करके और वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।